जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हां, आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हरियाणा जिले की मौसम की लेटेस्ट खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। हम आपको बता दें, हरियाणा में आफत की बारिश से थम गई जिंदगी, फसलों में भारी नुकसान, आगे भी येलो अलर्ट जारी। जी हां, हरियाणा में लगातार तीसरे दिन भी शनिवार को आफत की बारिश का दौर जारी रहा। झमाझम बारिश से गांव से लेकर शहरों तक जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। सड़कों पर भारी जलभराव होने से जिंदगी थम सी गई, फसलों में भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं। फतेहाबाद जिले के भूना के गांव लहरिया में जोहड़ के साथ पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। फतेहाबाद शहर में बारिश पानी में बंद हुई स्कूल बस के बोनट से अचानक धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। बच्चे बस की खिड़कियों से ही कूद कर निकले। आसपास के दुकानदारों ने बच्चों को खिड़कियों से बाहर निकाला। हिसार जिले के गाँव सिवानी बोलान में शनिवार सुबह बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई। घर में बैठे दंपति सहित 3 बच्चे घायल हो गए। घायलों को अग्रोहा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं रेवाड़ी में बारिश के चलते लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। जी हां, वहीं हम आपको बता दें, पिछले 2 दिन से रिकॉर्ड रोहतक बाद में बारिश हुई है। वहां शुक्रवार और शनिवार को शाम तक कुल 285 mm बारिश हुई। शनिवार सुबह से शाम तक वहाँ 165 mm पानी बरसा। इससे जगह जगह जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सितंबर माह में प्रदेश में 73 mm औसतन बारिश होती है, जबकि इस माह 95 mm बारिश हो चुकी है। इस तरह से 31% अधिक बारिश हुई। 80 mm बारिश पिछले 3 दिन में हुई है। जी हां, प्रदेश में शनिवार को 1139% अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 40 mm औसत बारिश हुई पिछले 3 दिन के दौरान। 80 mm औसत बारिश 22 सितंबर को 12 mm, 23 सितंबर को 27 mm और 24 सितंबर को 40 mm बरसात दर्ज की गई। आगे ऐसा रहेगा मौसम। लौटते मानसून में प्रदेश के सभी जिलों में भारी से मध्यम बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ML खीचड़ के अनुसार रविवार को भी यानी आज बारिश जारी रहेगी। इसके बाद 26 से 28 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 3 दिन में बारिश का कोटा पूरा, महज 1% की कमी। मानसून की सक्रियता के चलते हरियाणा में 3 दिन में बारिश का कोटा करीब करीब पूरा हो गया है। अब तक राज्य में 422 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य औसत से केवल 426 mm कम से 1% कम है। 21 सितंबर को 17% कम बारिश थी, जो सिर्फ 1% पर रह गई है। प्रदेश के 14 जिलों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई, वहीं 8 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रविवार को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में तेज हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में कहीं कहीं बूंदाबांदी व हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। जी हां, ये थी हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा अपडेट। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक TR न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हां, जय हिंद, जय भारत।